इंडियन सिविलाइजेशन मानी जाती है। और ये नदियों के किनारे, यानी जब भी कोई भी सिविलाइजेशन पहले आदमी माना करते थे वो नदियों के किनारे, क्योंकि उन्हें खेती करना बहुत आसान हो जाता था। तो हर वर्ल्ड की सिविलाइजेशन जो भी पाई गई है वो नदियों के किनारे, जैसे डिफरेंट सिविलाइजेशन इंडस, इंडस सिविलाइजेशन इंडियन की इंडस रिवर, चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना की होंग वो, और इजिप्ट सिविलाइजेशन नील नदी, और मेसोपोटामिया टाइग्रस एंड इथियोपिया। अब हम पढ़ेंगे इंडस सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स। इंडस सिविलाइजेशन जो था बेटा वेल प्लानिंग सिविलाइजेशन था, उन्होंने अपने शहरों को टू हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसका नाम है सिटाडल और लोअर टाउन। सिटाडल होता अपर टाउन, जहाँ पर क्योंकि ये नदियों के किनारे था इसलिए बाढ़ का डर रहता था, तो वो कुछ हाई एरिया पे चारों तरफ दीवार की तरफ फोर्टिफिकेशन करते थे, और वहाँ पर राजा और दूसरे जो हाई ऑफिशियल्स रहते थे ग्रैंड प्लेस, क्योंकि भंडार बनाते थे उन्होंने फ्लड से बचने के लिए हाई एरिया में बनाते थे। और दूसरा जो टाउन था वहाँ लोग यहाँ कॉमन पीपल रहते थे, वहाँ पर जो जो कॉमन पीपल रहते थे वहाँ लोअर टाउन रहते थे। सिविलाइजेशन में स्ट्रीट वेल प्लान तरीके से बनाई गई थी, घरों के भाग में एक पक्की की जो नालियाँ बनाई जाती थी जिससे उनका ड्रेनेज सिस्टम होता था। हाउस जो वहाँ थे बेटा वहाँ पर मल्टी स्टोरी हाउस बनाए जाते थे, छतें जो होती थी फ्लैट होती थी और पक्की ईंट के घर बनाए जाते थे। ईंट जो थी पहले एक लकड़ी के सांचे में बनाई जाती थी और फिर बाद में उसे ईंधन में या लकड़ियों से उसे पकाकर तैयार किया जाता था। ड्रेनेज ये सबसे बेस्ट फीचर है, जैसे आज हम अपने घरों के बाहर नाली बनाते हैं और उसका ड्रेनेज सिस्टम चारों निकालते हैं, तो ऐसे यहाँ पर यानी इंडस से इतना सिविलाइजेशन पुराना है वहाँ ड्रेनेज वेल ड्रेनेज सिस्टम था। इसलिए दूसरा जो है ग्रेट बाथ, जैसे हम आज धार्मिक स्थलों पे बड़े बड़े बाथ, जब कोई भी धार्मिक फंक्शंस होता है तो बड़े बड़े बाथ